सरोकार। प्रधानमंत्री संग्रहालय का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने खरीदा पहला टिकट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती आज। अटल चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा पर सीएम योगी ने किया माल्यार्पण। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, कहा 15 साल में भारत में फिर से बनेगा अखंड राष्ट्र। देशभर में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 1007 नए केसेस, 808 मरीज हुए ठीक। यूपी के कई शहरों में पारा 40 के पार, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। नमस्कार, मैं हूं दृष्टला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब देश के ऐसे एक शख्स हैं जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि आज पूरा देश बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मना रहा है। उन्होंने भारत की आजादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बाबा साहब ने हमेशा से कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए काम किया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय पर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए कहा कि भले ही जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त विरोधी पार्टियों और उनके सरकारें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों और संदेशों की कितनी भी अवहेलना करके उनको अनुयायियों पर शोषण, अन्याय, अत्याचार और देश को जाने रखे, पर उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर बीएसपी मूवमेंट रुकने और झुकने वाला नहीं है। यूपी में गर्मी से परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि इस दौरान लोगों को हीट वेव और लू की मार झेलनी पड़ रही है। यूपी में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने फिलहाल यूपी में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छे से या बहुत खराब श्रेणी में है। खबर सीतापुर से है। जौखैराबाद थाने में बाबा बजरंग मन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीते कई दिनों से विशेष समुदाय की महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के जरिए बाबा की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। वहीं इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंची, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखा था, जिसके बाद बाबा बजरंग मुनि की गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं बलिया के जिला महिला चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है, जहां अस्पताल में भर्ती महिलाओं की सेहत के लिए दूध देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, जिसके लिए दूध देने का ठेका एक फर्म को दिया गया था, मगर इस ठेकेदार ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को एक्सपायरी डेट की दूध दे दिया। और जैसे ही मरीज के परिजनों ने एक्सपायरी डेट का दूध देखा और इसकी शिकायत प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की, तो सीएमएस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए ठेकेदारों से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने का नोटिस दिया। मामला ये है कि मैं जो हमारी पत्नी का डिलीवरी था, मैं शनिवार को रात को डिलीवरी हुआ जब बच्ची हुई है। हम यहाँ पर हमारे आईसीयू में बच्ची भर्ती है और हमारे पत्नी को जो भी यहाँ पर जो सरकारी द्वारा दूध और ब्रेड और मक्खन मिलता है, जो कि आज जो मिला है वो एक्सपायरी है, जो कि 3 महीने का रहता है। आज ये 3 महीने से अधिक का है, 3 महीने का ये दूध का ये 90 दिन का है एक्सपायरी। ये बना हुआ है 11/1/22 का, आज एक्सपायरी डेट 2 दिन पहले यहाँ पर लिखा है।
बताइए, ऐसे ही सारे मरीजों को दिया जा रहा है, क्या होगा, कैसे क्या होगा बताइए जी। उसको संज्ञान में लिया गया है और उसका स्पष्टीकरण वेंडर से मांगा गया है और जांच बैठा दी गई है। अब जैसी भी आगे कार्रवाई होगी, जो उसमें आएगा और जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत करा दिया। उसमें जो दूध बटा था उस पर एक्सपायरी डेट से क्रॉस करके था वो, तो उसको संज्ञान में लिया गया और तुरंत उसको हटा दिया गया, दूध को। जांच बैठाई गई है और उसको एक स्पष्टीकरण और उससे कहा गया कि अगर तुम अगर आरोप सिद्ध होता है तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जो वेंडर है, कौन सप्लाई करता है दूध अस्पताल में? बालाजी इंटरप्राइजेज। कल का है, बालाजी इंटरप्राइजेज हैं, उनको कल ही थमा दिया गया है कि उनको ब्लैक लिस्ट कर। खबर बस्ती से है, जहां गौर थाना क्षेत्र के करणपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के लोगों ने गौवंश के अवशेष गांव में कब्रिस्तान के पास देखा गया और गांव के चौकीदार ने इसकी सूचना थाने पर दी, जिस पर पुलिस तुरंत हरकत में आई। गांव पहुंचकर पुलिस और डॉक्टरों की टीम ने अवशेष को कलेक्ट किया, साथ ही पुलिस ने इस मामले को लेकर गाँव के लोगों से भी जानकारी ली और मामले की जाँच में जुट गई है। ग्राम चौकीदार रामकरण द्वारा इस बात की सूचना दी गई कि ग्राम करणपुर के कब्रिस्तान के पास गोवंश के अवशेष पड़े हुए हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गौर और उनकी टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तो वहां पर गोवंश के कुछ अवशेष मिले, जिनको कि डॉक्टरों की टीम बुला करके उसका परीक्षण कराया गया और उसका नमूना लेकर के इसको प्रयोगशाला में भेजा गया है। और ग्राम चौकीदार की सूचना पर सात नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एवं उनके कुछ साथियों के विरुद्ध 3/5/8 गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसमें टीमें गठित की गई हैं और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और जो इसमें शामिल दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध। खबर बिजनौर से है, जहां नजीबाबाद थाना क्षेत्र के भारत टाकेज के निकले डिवाइडर से जोरदार टकरा गई, वहीं बुलेट सवार 3 लोग फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। वहीं इस हादसे में बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे की सूचना पुलिस ने परिजनों को दी, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम भैया आपका? राकेश। लड़के कौन थे? ये मेरा भाई का लड़का है। क्या क्या चौकी में चल रहे हैं? क्या क्या नाम थे भैया इनके? इसका जो चला रहा था ना गाड़ी, हाँ, इसका नाम रजत। ये कहाँ से आ रहे थे पता कुछ? ये लगन में आए थे यहीं पे ना। कहाँ है? कहाँ आए थे लगन में? यहीं पे नजबात कोल्लू वाला में ना। अच्छा, नाम लिख ले, डायरी ले, डायरी। इनके तीनों और जो बुजुर्ग हैं उनका क्या नाम है भैया? तीन नहीं थे गाड़ी में, दो थे। एक बुजुर्ग और थे उनके साथ? बुजुर्ग थे, ताऊजी थे मेरे। हाँ, तो उनके क्या नाम? ताऊजी का श्री राम नाम। श्री राम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कोटद्वार से 10 किलोमीटर दूर कलाल घाटी बाबर क्षेत्र। कलाल घाटी के। रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अज्ञात ट्रक से कुचलकर एक अधेड़ व्यक्ति की जान चली गई है। ट्रक चालक ने अधेड़ व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मौके से फरार हो गया। मौके पर फरार पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि कहारों के अड्डे के पास की यह घटना सामने आई है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? तारे की मस्जिद के पास। क्या हुआ था यहाँ? यहाँ ट्रक खड़ा था वही मोड़ के, तो जैसन देखा ट्रक वाले से कहा गुजर का हुआ तो बटर लेके निकल गया था तुरंत। तो क्या ट्रक से टक्कर लगी है? जी जी। और लोगों ने देखा? और लोग नहीं, हम दारू के ठेके में जाके बताया, हम कहा कि भैया पुलिस वाले का फोन कर दो, यहाँ कोई आदमी मर गया। तो ट्रक किधर गया? इधर सीधा निकल गया। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां मामूली इलाज के लिए परिजनों ने अपनी लड़की को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं कंपाउंडर द्वारा इंजेक्शन देने के बाद लड़की की तुरंत मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। आम आदमी चंदौली के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में एक अनूठा प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने डीडीयू नगर के सुभाष पार्क में महंगे नींबू की माला फूल धूप चढ़ाकर दीप दिखाकर पूजा करते हुए महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। अपने हाथों में नींबू, महंगा महंगा तेल, देखो भ्रष्टाचार का खेल। वही रसगुल्ले से महंगा नींबू, भ्रष्टाचार की आ रही
स्लोगन लिखी तख्तियां आप कार्यकर्ता लिए हुए थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संतोष कुमार पाठक ने कहा कि चुनाव समाप्त होते ही पहले से परेशान की हुई महंगाई एक बार फिर से बढ़ गई है। जय हिंद साथियों, हम आम आदमी पार्टी चंदौली के लोग हैं। हम लोग नींबू के दाम, जो गरीबों का अमृत है इस गर्मी में, हर मर्ज की दवा है, एक नींबू 20 रुपए में इस मुगलसराय जनपद चंदौली में मिल रहा है। हम सारे साथियों ने आज नींबू बाबा की पूजा की है और निवेदन किया है इस सरकार से कि जमाखोरी बंद कराए, जमाखोरी बंद करे और कम से कम नींबू तो सस्ता करे। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, खाने पीने की सारी चीज़ें, सरसों का तेल, रिफाइंड सब महंगे हैं। क्या इस महंगा अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो